गुड मॉर्निंग क्लास, लेसन नंबर थर्ड के मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए थे और अभी हम पेज नंबर 43 पे वोकेबुलरी जंक्शन आपका दे रखा है। तो वोकेबुलरी जंक्शन समझते हैं कि इस पे क्या दे रखा है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। ऑन दिस ओकेशन ही वॉज यूजली गोन 6 or 7 days एंड रिटर्न growling and out of the temper, complaining about the incompetence of those who ran the country. अब ये incompetence जो आपको दे रखा है, देखो इसमें आप कभी कभी ऐसे words देखते होंगे जिसके अंदर un रहता है starting में, in रहता है, dis रहता है, ऐसे बहुत सारे words आपने देखे होंगे जो original words तो रहते हैं लेकिन साथ में इनके आगे जो है लेटर, वर्ड्स के आगे जो है ये कुछ लेटर्स आपको दिखते हैं, है ना। तो हो सकता है कि इन लेटर्स के लगने से जो ओरिजिनल वर्ड जो है उनका मीनिंग चेंज हो जाता है या वो एंटोनियम बन जाते हैं। एंटोनियम मतलब विपरीत जो शब्द होते हैं जिसको हम अपोजिट्स बोलते हैं। तो लुक एट द वर्ड इन द बोल्ड, इनकम्पिटेंस, तो ये बना किससे है, एक तो इन और दूसरा कंपिटेंस, ये मेन वर्ड है इसका और इन इसके साथ में लगा हुआ है। तो इनकम्पिटेंस बना एज यू नो इन द वर्ड इन इज अ सफिक्स। अब ये जो लगता है, इन लगता है, अन लगता है, डिज लगता है, ये सब का आपके क्या कहलाते हैं, सफिक्स कहलाते हैं, है ना, सॉरी प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो अब प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों चीजें क्या होती है ये समझते हैं। बट प्रीफिक्स मतलब वो होता है जो शब्द के आगे लगे और वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर दें, है ना, उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग, हिंदी में भी लगते हैं, हाँ, जैसे अक्षर और अनाक्षर, पढ़ा लिखा और हम बोलते हैं अनपढ़। तो ये जो अन लगता है, अ लगता है, बिन लगता है, तो ये सब आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे जो शब्दों के आगे लग के और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं या अपोजिट्स बना देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। ऐसे सफिक्स पढ़े होंगे आपने जो कि शब्दों के बाद में लगते हैं और शब्दों का मीनिंग चेंज कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम हिंदी में प्रत्यय, है ना। तो ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या बोलते हैं। हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे कि शब्दों के आगे लगने वाले कोई ऐसे लेटर्स जो शब्दों के आगे लग जाते हैं और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं या उनको एंटोनियम बना देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आर वर्ड्स दैट आर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग। प्रीफिक्स जो शब्द है वो वर्ड्स के आगे लगते हैं और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। सम प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू क्रिएट एंटोनियम्स। कुछ प्रीफिक्स को हम एंटोनियम के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे लेट्स लुक एट द सम मोर वर्ड्स दैट बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द एंटोनियम। कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें टेबल में दे रखे हैं जो कि प्रीफिक्स लगाने के बाद एंटोनियम में बदल गए यूजिंग प्रीफिक्सेस। देखिए ये डू है, ये मेन है, अब इसके आगे अन लगा दिया तो ये अनडू, मतलब ये डू का एंटोनियम बन गया अनडू। अनटाई, टाई इसमें मेन वर्ड है, अन लगा दिया तो ये इसका एंटोनियम बन गया अनटाई। हैप्पी, हैप्पी में अन लगा दिया तो अनहैप्पी, मतलब ये एंटोनियम बन गए। सेंस, सेंस में नॉन लगाया तो नॉनसेंस। स्टॉप, स्टॉप में नॉन लगाया तो नॉन स्टॉप। फिक्शन, फिक्शन में नॉन लगाया तो नॉन फिक्शन। डिस, अब अपीयर में डिस लगाया तो डिसअपीयर। एग्री में डिस लगाया तो डिसएग्री। बिलीफ में डिस लगाया तो डिसबिलीफ। ऐसे एंटी है, तो एंटीबायोटिक में एंटी लगाया तो एंटीबायोटिक। सोशल में एंटी लगाया तो एंटी सोशल। सेप्टिक में एंटी लगाया तो एंटीसेप्टिक। तो ये सब क्या है, एंटोनियम बने हुए। मिस लगा तो बिहेव में मिस लगा तो मिस बिहेव।
फॉर्चून में मिस लगा तो मिस फॉर्च्यून, लीड में मिस लगा तो मिस लीड, है ना। इसी प्रकार अन से फिर से देखते हैं, सर्टेन में अन लगा तो अनसर्टेन, एंडिंग में अन लगा तो अनएंडिंग, वॉयलेंट में नॉन लगा तो नॉन वॉयलेंट, प्रॉफिट में नॉन लगा तो नॉन प्रॉफिट, एबल में लगा तो डिसेबल, एडवांटेज में लगा तो डिसएडवांटेज, क्लॉकवाइज में लगा तो एंटी क्लॉकवाइज, वायरस में लगा तो एंटी वायरस, इंटरप्ट में लगा तो मिस इंटरप्ट और डायरेक्ट में लगा तो मिस डायरेक्ट। ऐसे ही दूसरे भी है, अब ये तो आपने पांच देखे ही है, अन नॉन डिस एंटी और मीन, और भी बहुत सारे प्रीफिक्स रहते हैं, तो प्रीफिक्स और भी बता दें, इल इन एम इर और ए, ये प्रीफिक्स है तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इल लगा लीगल में तो ये इलीगल हो गया, इल लिसिट में लगा तो इलिसिट, लिटरेट में लगा तो इलिटरेट, और इलिजिबल में लगा तो इलिजिबल, एंड एक्यूरेट में लगा तो इनएक्यूरेट, अप्रोप्रिएट में लगा तो इनअप्रोप्रिएट, एडिक्यूट में लगा तो इनएडिक्यूट, डायरेक्ट में लगा तो इनडायरेक्ट, फिर इम है तो पॉसिबल में लगा तो इम्पॉसिबल, प्रोबेबल में लगा तो इम्प्रोबेबल, मोबाइल में लगा तो इमोबाइल, मॉरल में लगा तो इमोरल, फिर इर जो है इर लगता है तो रेजिस्टेबल में इर लगा तो इररेजिस्टेबल, रिवर्सिबल में लगा तो इररिवर्सिबल, रेस्पॉन्सिबल में लगा तो इररेस्पॉन्सिबल, रेशनल में लगा तो इररेशनल, अ लगा तो थेटलिस्ट में लगा तो थेटिस्ट अथेटिस्ट, बायोटिक में अबायोटिक, सोशल में असोशियल, एंड रिलीजियस में अरिलीजियस। अब इसमें आपको इस टेबल के अनुसार जो है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे कि किस वर्ड्स का कौन सा प्रीफिक्स लगाने से एंटोनियम बनता है, जैसे कि एबल। अब एबल के अंदर आप एंटी एबल नहीं कर सकते इसको, है ना, अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते, इसमें डिज ही लगेगा, है ना, या तो आप इसको अनेबल भी लिख सकते हैं, ये हम यूज करते हैं अनेबल कभी कभी, लेकिन इसका जो सही जो ये है एंटोनियम वो है डिसेबल या एंटी एबल यूज नहीं करेंगे आप। तो इस टेबल को आपको लर्न करनी है कि किस प्रकार से अपन लेटर्स के जो हैं प्रीफिक्स लगा लगा के और एंटोनियम बना सकते हैं, तो इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो वो एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ, जो कि आपको बुक में फिलअप करनी है। एंड ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखना है, बुक्स की हेल्प लेके और अच्छे से समझना है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है।